जी सर जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो पोल्ट्री की तरफ से मांग उठी थी कि सरकार को जीएम सोयाबीन का आयात कर लेना चाहिए, और सरकार ने अब 5.5 लाख टन जीएम सोयाबीन आयात करने की अनुमति भी पोल्ट्री उद्योग को दे दी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर आयात होता है और अब बुआई का सीज़न भी नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है बुआई का सीज़न भी, कुछ ही महीनों में बुआई का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में सोयाबीन का बाज़ार गिरावट की ओर जा सकता है, या फिर अभी यहाँ पे जो सोयाबीन है वो सस्टेन रहेगी? देखिए, सोयाबीन की जहाँ तक बात है, सोयाबीन थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी आ सकती है लेवल के ऊपर, और अभी फिलहाल जो है बाजार एक रेंज में घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए, एडिबल ऑयल पैक ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी भी मार्केट जो है डिमांड फैक्टर हावी है, और अभी प्राइसेस पीछे गिरे थे लेकिन अब वापसी से थोड़ा सा सस्टेन हुआ है मार्केट, तो यहीं पर मार्केट घूमता हुआ नजर आ सकता है जी।